बीच एक बड़ी खबर मिल रही है राजसमंद से, जहां रेस्क्यू की गई 67 बच्चियों का पुनर्वास हुआ है। बच्चियों को दूसरी जगह भेजने की कवायद अब शुरू हो चुकी है। परिजन विरोध इस मामले का कर रहे हैं। आपको बता दें भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। जी मीडिया संवाददाता विनीता पालीवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनका रुख कर लेते हैं। विनीता, रेस्क्यू की गई 67 बच्चियों का पुनर्वास और उसका विरोध तमाम परिजन करते हुए नजर आ रहे हैं, मौके पर क्या कुछ इस विरोध की तस्वीरें? मैं बताना चाहूंगी, जो मौके पर भाली पुलिस को तैनात है और जो मौके पर डिप्टी तैनात है और जो लड़कियां हैं उन्होंने एक माहौल बना रखा है कि जाए साथ में जाएंगे, अलग अलग नहीं होंगे, उसको लेकर जोर जो रोना कुटना मचाया हुआ है। और जो संस्था के बाहर है वो काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठी है और अभी तक माहौल कंट्रोल में नहीं हो रहा है। पुलिस क्या पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है? समझाइश के कोई प्रयास अब तक किए गए हैं? जी बिल्कुल, पुलिस विभाग मौके पहुंचा है। जो यहाँ पे जो लेडीज पुलिस है, लेडीज कॉन्स्टेबल है, उन्हें काफी बुलाया गया, काफी मात्रा में वो मौजूद है, लेकिन अभी तक जो यहाँ के जो स्थानीय संस्था वाले लोग हैं वो बच्चों को जाने नहीं दे रहे। जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को जाने नहीं दे रहे, उन्होंने माहौल पकड़ा कर रखा है, बस को घेरे हुए खड़े हैं यहाँ के लोग जो है। तो विरोध को देखते हुए क्या कुछ प्रशासन फैसला ले सकता है, क्या कुछ संभावना नजर आ रही है? जी, कोर्ट के आदेश अनुसार 25 बच्चियों को यहाँ से उदयपुर शिफ्ट करने की आदेश है। इसको लेकर के यहाँ पे जो एक जो पुलिस बल पहुंचा, 25 बच्चों को यहाँ से शिफ्ट करना चाहता है, लेकिन जो सारी बच्चियां हैं उनने माहौल बड़ा कर रखा है कि हम जाएंगे तो सारे अकेले नहीं जाएंगे। एक तरफ कोर्ट का आदेश और दूसरी तरफ परिजनों का, तमाम बच्चियों का विरोध भी यहां पर देखा जा रहा है। देखने वाली बात होगी, प्रशासन के सामने बेहद ये गंभीर स्थिति है, पशुपेश की स्थिति है, इसमें क्या कुछ फैसला किया जाता है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जयपुर में आज हुई बीजेपी